हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज आपके साथ मैं एक तंदूर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है मसाला कुलचा। मसाला कुलचा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मसाला कुलचा बनाने के लिए मैंने लिए ये 200 ग्राम मैदा और 2 छोटे चम्मच मैंने यीस्ट लिया है। और अगर आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और बेकिंग पाउडर हमें गिरना होगा इसमें 1/2 चम्मच। और ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, अगर वज़न में देखेंगे तो 50 ग्राम के करीब दूध है, यानी कि बिल्कुल छोटा गिलास आधा। और टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच चीनी और 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल। चलिए पहले डो लगा लेते हैं। मसाला तंदूरी कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हम इस मैदा को एक बड़े बर्तन में कर लेंगे, और इसी समय हम ये नमक डाल देंगे, यीस्ट भी डाल देंगे। नॉर्मली यीस्ट को हम पहले फॉर्मेट करते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। चीनी डाल देंगे और ये जो हमने रिफाइंड लिया था ये भी डाल देंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह एक बार मिला लेंगे। बस एक बार हल्के हाथ से मिला लें। और इसका डो लगाने के लिए हमने गुनगुना ही दूध यूज़ किया है और गुनगुना ही हम पानी लेंगे। और अब हम इसमें ये गुनगुना दूध डाल देंगे और हाथ से इसका हम एक मुलायम डो लगाएंगे। इसके लिए हमें बहुत हार्ड डो की ज़रूरत नहीं है। कुलचे के लिए आप कभी भी डो लगाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड ना लगाएं। और देखिए मैंने इसका ये काफ़ी सॉफ्ट डो लगा लिया है, और इस डो को लगाने में मुझे जितना मैंने दूध लिया था यानी 50 ग्राम सिर्फ उतना ही पानी लगा है। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे, और उसके उतने ही हम मसाले का सामान देख लेते हैं। और मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 बड़े साइज के प्याज हैं, जिसे मैंने बहुत ही बारीक कटा हुआ है, और आलू को मैंने फोड़ा हुआ है। आप कभी भी तंदूरी कुलचा बनाएं आलू कसे नहीं, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और लहसुन है ये भी मैंने बहुत बारीक काटी हुई है, बिल्कुल 1 इंच मैंने लाल मिर्ची ली है, क्योंकि मैं इसमें तंदूरी मसाला यूज़ करने वाली हूँ और ये काफ़ी स्पाइसी होता है। 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटी हरी मिर्च जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा हुआ है, और इसी तरीके से धनिया को भी मैंने एकदम बारीक काटा हुआ है। नमक टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 छोटा चम्मच मैंने ली है खटाई, और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे हम बटर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को एक मैंने बड़े बर्तन में कर लिया है, इसी में हम ये प्याज डाल देंगे और ये सारे मसाले डालकर इसका एक फाइन सा हम तैयार कर लेंगे। नमक, मिर्च, अगर आप इसे और कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। और ये तंदूरी मसाला, धनिया पाउडर, खटाई, हरी मिर्चें, लहसुन और आधा धनिया हम मसाले में यूज़ करेंगे और आधा हम ऊपर यूज़ करेंगे। और ये मसाला मेरा एकदम तैयार हो गया है, और इसमें आलू का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है, और ये जो हमने डो लगाया था एकदम तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी एकदम से ये जाली जैसी पड़ गई है। अब हम एक फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा आटा डाल देंगे, और हमने ये जो डो बनाया था इसको अच्छी तरह इस पर मसल कर बिल्कुल एक साथ चिकना कर लेंगे। और ये डो एकदम चिकना हो गया है। अब इसके हम बराबर बराबर पेड़े तोड़ लेंगे। ये 200 ग्राम मैदा है, इसमें करीबन हमारे 4 कुलचे बनकर तैयार हो जाएंगे। और तंदूर भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ये मैदे के पेड़े को मैंने सूखे आटे में लपेट लिया है, और इसका हम एक पराठे जैसा बेलेंगे, जैसे हम नॉर्मली इसका पराठे के लिए बेलते हैं। और मैंने इसे एक हथेली के जितना बेल लिया है, और जितना हमने करीब मैदा का डो लिया है उससे थोड़ा सा ही कम ये आलू का मसाला लेंगे हम। और जैसे हम पराठों को बंद करते हैं इस तरीके से उठाते हुए, इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे हम वापस से बेलेंगे।
पराठों को हम गोल बेलते हैं, लेकिन कुलचों को हम थोड़ा लंबा बेलेंगे इस तरीके से। और हम इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे थोड़ा मोटा रखेंगे। और बस इस कुलचे को हम हल्का सा गीला करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा धनिया इस पर फैला देंगे, हल्के हाथ से दबा देंगे जिससे धनिया इस पर अच्छी तरह चिपक जाए। और बस अब हम इस पर ये जो हमारा बटर है, थोड़ा सा बटर लेंगे और इस पर इस तरीके से लगा देंगे। बटर लगाने से कुलचे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। ये तंदूर भी गर्म हो गया है, और एक तरफ से हम जिधर से हमने धनिया और बटर लगाया था उस साइड से हम रख देंगे, और दूसरी साइड भी बटर लगा देंगे। जितने हमारा एक कुलचा सिकता है उतना ही हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे, सेम प्रोसेस से ही पेड़ा लेंगे। और इसी समय मैं दूसरा कुलचा भी इसी में लगा देती हूँ, देंगे इस तरीके से, और इस पे भी हम बटर लगा देंगे। और तंदूर को मैंने बोथ साइड पे रखा है, ये इसका बॉटम साइड है, ये टॉप है, ये ऑफ है, और मैंने इसका बटन जो रखा है ये बॉटम साइड बोथ साइड पे रखा है, यानी ये मेरा तंदूर दोनों तरफ से गर्म हो रहा है। और करीबन तंदूर में इसे सिकते हुए 1.5 मिनट हुआ है, और जो कुलचा मैंने पहले रखा था वो सिककर तैयार हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और बस आप देखिए ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा सिक चुका है, और इसे सिकने में भी थोड़ा टाइम है, इसे हम सेंटर में कर देंगे। हम इसे पीछे से भी देख लेते हैं, ये देखिए, और ये कुलचा हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं इस समय आप बटर लगाइए, वरना आप मत लगाइए। हमारा ये दूसरा कुलचा भी तैयार है। कुलचे को सेकने में मुझे कुल 2.5 से 3 मिनट लगाए, और मेरे दोनों कुलचे सीकर तैयार हुए हैं। और बस हम दूसरे पे भी बटर लगाएंगे। हमारे मसाला कुलचे बनकर तैयार हैं, आप देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, या दही के साथ, या आप इन्हें प्लेन ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये सबके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। एकदम स्पाइसी और गर्मा गर्म बटर के साथ कुलचा बनकर तैयार है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।